2.5 साल लगे सर पिक्चर को कंप्लीट करने में, और रिलीज होने में सर 10 साल लगे। सर पिक्चर है और लोगों को दूर रखा गया पिक्चर से, अगर देखा जाएगा ना ये सच्चा पिक्चर है कि 1000 वेळा जगेल 1000 वेळा मरेल पण हिंदू धर्म सोडणार नाही। हेलो वन, मेरी नेम दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों मराठा मंदिर आए हम और हमने देखी है ये फिल्म जिसका आप पोस्टर देख रहे हो, छत्रपती संभाजी। मेरे साथ में हमारा मराठी मानू समृद्ध, उसने मेरे को आज फोन किया, बोला कि ये पिक्चर मराठा मंदिर में एक शो दिया है, ये जाएंगे हम देखने के लिए, और हम दोनों पहुंचे ये देखने के लिए। शुरुआत हमारे मराठी मानू से करेंगे। काफी दिनों से इसकी रिलीज नो होल्ड पे थी, बहुत सालों से, तो वो भी सारी बातें हम करेंगे। कैसी है पिक्चर छत्रपति संभाजी? देखो सर, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जो उनके जो पुत्र जाने जाते हैं, उनके छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र है सर। सर ये जब ये फिल्म 2014 में इसकी जब अनाउंसमेंट की थी, 2014 की पिक्चर है सर, 2.5 साल लगे सर पिक्चर को कंप्लीट करने में, और रिलीज होने में सर 10 साल लगे। इतना टाइम क्यों लगा रिलीज होने? देखो ये जो टॉपिक है ना सर, छत्रपति संभाजी महाराज के जो आधारित पे फिल्म है जो, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है सर। मतलब उनके जो बालपन हो, जो उनका अंत हो, इतना दर्दनाक है ना सर कि कुछ कुछ पॉलिटिशियन हो या कोई राइटर का कोई प्रॉब्लम या डायरेक्टर का कुछ प्रॉब्लम हो या कोई भी पॉलिटिकल एंगल से ना पिक्चर रुका दी गई थी। लेकिन लाइक फाइनली सर, फाइनली ये पिक्चर थिएटर में आई तो मैं खुद बहुत बड़ा खुश हो गया। मैं बहुत खुश हो गया सर। अभी छत्रपति संभाजी महाराज पे और 2 फिल्में भी बन रही है, जिसमें एक हिंदी में जो विकी कौशल काम कर रहे हैं, और एक अभी मराठी में एक और बनी रेडी है। पोस्टर्स काफी सारे थिएटर्स में आ गए सर। सो अभी सर मैं पिक्चर के बारे में बोलना चाहूंगा सर। पिक्चर को मैं अभी से बोलना चाहूंगा, पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है सर। बहुत अच्छी बनाई है सर। मतलब जो डायलॉग डिलीवरी हो, स्क्रीन प्ले हो, जो एक प्रॉपर सीन, मतलब एक क्या सच बोलते हैं ना, सच्ची सच्ची बताई है सर पिक्चर, एकदम रियलिटी दिखाया है। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या क्या हुआ इंटरनल, अभी जो रामायण से जो चीज चली आ रही है सर, जब कैकेयी ने अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए जो जो चालू की थी युद्ध, यही सेम ये पिक्चर दर्शाती है सर। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वो टाइम पे भी अपने ही घर वाले लोग ने जो कॉन्स्पिरेसी बिठाई सर, कि अभी कि शंभू महाराज को राजा नहीं बनाएंगे, लेकिन राजा वो बने, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एकदम दर्दनाक सीन था सर। तो यार ये पिक्चर बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, लेकिन कुछ कुछ है ना टेक्निकल एस्पेक्ट से पिक्चर गिरती भी है सर। प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ा सा लो दिखा, बहुत लो था सर, बहुत लो था। अभी अभी देखो ये मराठी फिल्म है, एक्चुअली मराठी नहीं, एक्चुअली बेसिकली हिंदी फिल्म है सर। ट्रेलर हमने हिंदी में देखा था सर। जब वो 2014 में उन्होंने जब ट्रेलर लॉन्च किया था, उसके बाद जो विवाद चालू हुआ ना सर, वो विवाद खत्म ही नहीं हुआ सर। मतलब 2 साल से कुछ लफड़ा हो गया था पिक्चर के बारे में, पिक्चर रुका दी गई, लेकिन डायरेक्टर ने हार ही मान ली थी सर। लेकिन बोलते हैं ना भगवान देर, बोलते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना कि भी बोलते ना फाइनली रिलीज मिल गया सर। और इसमें मराठा मंदिर में रिलीज, और मराठा मंदिर में रिलीज हुई, मतलब मैं शॉक्ड हूँ। अभी एक्चुअली कल उसको 2 शो दिए थे, लेकिन आज 1 शो दिया क्योंकि ऑडियंस कम थी सर। लेकिन यार मतलब पब्लिक को पता नहीं है कि पिक्चर आई है, और एक्चुअली देखने का तो ये पिक्चर रिलीज होने वाली 26 जनवरी को होगा, फ्राइडे को रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो टाइम पे डेट मिलने मुश्किल हो गई, फ्राइडे रिलीज हुई थी सर, क्योंकि स्क्रीन नहीं मिल रहे थे। तो सोलो रिलीज मिली है सर, क्योंकि फ्राइडे को पिक्चर थी ही नहीं सर, ये फ्राइडे कुछ नहीं था। तो इसमें इतना करेक्टली बताना यार, मतलब गट्स की बात है। और डायरेक्टेड बाय राकेश दुलगल, वो हिंदी डायरेक्टर है सर, तो उनका भी शायद से डेब्यू है, तो मैंने जितना तो मैंने सुना, लेकिन जो एक्टर है यार, इन्होंने जो काम किया है, उदयपुरकर उनका समथिंग, उनका नाम शशांक उदयपुरकर, राइट, शशांक उदयपुरकर उनका नाम है सर, इतने अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है ना सर, खुद को लग ही रहे थे वो छत्रपति संभाजी महाराज है सर। क्या वो एक्ट, क्या वो पोर्ट्री किया उन्होंने खुद को यार, मतलब जो भी डायलॉग थे सब कुछ एकदम जबरदस्त। वो भी इसमें डायलॉग भी ऐसे इसमें लिखा भी है कि 1000 वेळा जगेल 1000 वेळा मरेल पण हिंदू धर्म सोडणार नाही, काय लीला है डायलॉग यार, मतलब मजा आ गया यार। मैं तो बोलता हूँ ना, मैं लिटरली रो दिया, जो मेरे को एक्सपेक्टेशन था ना सर, टॉर्चर जो किया था औरंगजेब ने, हाँ सर, वहाँ पे जो एक्सप्रेशन थे अजयपुरकर के, अजयपुरकर नहीं सर, शशांक उदयपुरकर यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं इतना दुख हुआ ना मुझे वो देख के, कि
हमारे जो भगवान है धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो अत्याचार दिखाया है ना, इसके वजह से फिल्म रुकी थी सर, क्योंकि वो सीन ना दिखाए जब वो टाइम पे ना, शायद से उनको ए सर्टिफिकेट मिल रहा था, लेकिन डायरेक्टर वो नहीं चाहते थे कि ये पिक्चर को ए सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि वो टाइम पे इतनी ऑडियंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अब ये पिक्चर को यूए सर्टिफिकेट मिला तो इसलिए रिलीज करना पड़ा। काफी सारे सीन्स काटने भी पड़े यूए सर्टिफिकेट देके सर, और कुछ कुछ डायलॉग्स में डायलॉग्स भी काटने पड़े सर। और एक ऐसे पर्टिकुलर सीन था वो टेक्निकली बहुत नोटिस किया हम लोगों ने कि एक सरदार है वो इधर का, तो डायलॉग बोल रहा है लेकिन वो सब कट नहीं हुआ, वो भी फिर भी डायलॉग बोला, डायलॉग कट कर दिया गया। हाँ। या वो कहाँ पे लेकर वॉइस कट कर दिया सर, मतलब इतने सारे सर कॉन्स्पिरेसी देखे ना, तो मुझे ऐसा लगता ना कि ये पिक्चर को है ना कट नहीं मिलने चाहिए सर, जो है वो मुंह पे दिखाओ, क्योंकि वो तानाजी जैसे फिल्म में ना झूठ दिखाया था, लेकिन इसमें यार तुम सच दिखाने की हिम्मत की ना तो किसी को हजम नहीं होती सर, और ये बात भी दिखा भी है सर। देखते अच्छी, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है हमारे मराठी माणूस समृद्ध से। अब जो भी दो पिक्चरें आगे आने वाली है संभाजी महाराज पे, जो अभी हमने रिव्यू में पहले बात की है, एक दिग्पाल लंजेकर की पिक्चर है और एक विकी कौशल की पिक्चर है, उसमें देखते कि किस तरह से ये लोग प्रेजेंट करते और किस तरह से स्टोरी आगे लेके जाते हैं। बेहतरीन ये पिक्चर थी, मुझे भी अच्छी लगी, मतलब काफी कुछ जो मुझे पता नहीं था वो जानने का मौका मिला। आपको मौका मिलता है अगर आपके नजदीकी थिएटर में पिक्चर लगी है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो जाके देखो, डोंट मिस इट। यस, और इसका हम रेटिंग नहीं मांगेंगे क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री से जुड़ी हुई से जुड़ी कहानी है सर। और मैं तो बोलूंगा ना सबको, हकीकत है सर, ये पिक्चर हकीकत है सर, पिक्चर है और लोगों को दूर रखा गया पिक्चर से, अगर देखा जाएगा ना ये सच्चा पिक्चर है, लोग उसको आगे नहीं दौड़ा रहे, आगे नहीं दौड़ा रहे सर, सच्चा इंसान छत्रपति जो है ना हमारे महाराष्ट्र के हिंदू हित ने जो किया ना बलिदान, ये युग युग याद रखेगा इनका सच्ची में। और उनकी कामगिरी है ना, वो फतेह की थी ना, तो कामगिरी कोई कोई नहीं भूल सकता सर। और मैं पर्सनली सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप यह जाके देखे, और राकेश दुग्गल जी आप मुझे अब देख रहे हो ना, प्रमोशन करो सर, प्रमोशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि थिएटर से निकलनी नहीं चाहिए फिल्म, ये 100 दिन चलने वाली पिक्चर है सर, ये एक दिन की पिक्चर नहीं है सर। अब पूरा का पूरा थोड़ा थोड़ा और थोड़ा खर्चा करो सर, आप निकलो बाहर पूरे गैंग को लेके निकलो, तो ये पिक्चर समझ में आएगा कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, उनकी कामगिरी क्या थी, वो आप दिखाओ सर। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।